अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हैं और आप ये चाहते हैं कि आपके हार्ड डिस्क में आप अलग अलग पार्टीशंस या फिर सेक्शंस क्रिएट करें बट आपको कंप्यूटर को भी फॉर्मेट नहीं करना है, तो वो काम आप बिना फॉर्मेटिंग के कैसे कर सकते हैं, आइए आज के वीडियो में देखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं ओपन करता हूँ दिस पीसी, मेरे पास यहाँ पर 5 ड्राइव्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 2 मेरी SSD हैं और बाकी की 3 हैं मेरी हार्ड डिस्क। इनके मैंने 3 अलग अलग सेक्शंस या फिर हम बोल सकते हैं 3 अलग अलग पार्टीशंस क्रिएट करके रखे हैं। अब अगर आपको ये पार्टीशंस विदाउट फॉर्मेटिंग क्रिएट करने हैं तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर हम ओपन कर लेंगे हमारा दिस पीसी, जाएंगे कंप्यूटर एंड मैनेज। मैनेज में आने के बाद ओपन होगा कंप्यूटर मैनेजमेंट का डायलॉग बॉक्स और यहाँ पर हमें जाना होगा डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट में आपको देखने मिल जाएगा डिस्क 0 जो कि है SSD और SSD में मेरे 2 पार्टीशंस हैं C और D। इसी प्रकार से डिस्क 1 है मेरी हार्ड डिस्क जिसमें मैंने 3 पार्टीशंस क्रिएट करके रखे हुए हैं E, F और G। अगेन अगर मैं एक बार चले जाऊँ दिस PC में तो यहाँ मुझे ये 5ों के 5ों पार्टीशंस क्लियरली देखने मिल जाते हैं। अब सबसे पहले मैं इसे डिलीट कर लूँगा एंड टू डू दैट राइट क्लिक एंड डिलीट वॉल्यूम, यस। अगेन सेकेंड पर भी राइट क्लिक, डिलीट वॉल्यूम एंड यस। इसी प्रकार से थर्ड में भी हम राइट क्लिक करेंगे और इसे डिलीट कर लेंगे। डिलीट करने के बाद अब अगर मैं अपना दिस PC ओपन करता हूं तो यहां पे आपको वो तीनों के तीनों पार्टीशन देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 1 TB का जो स्पेस है ये अनएलोकेटेड है। अब मुझे यहां पर इसमें पार्टीशन क्रिएट करना है, फॉर दैट क्लिक करेंगे राइट क्लिक न्यू नेक्स्ट। आपको यहाँ पर कितने GB का पार्टीशन क्रिएट करना है ये नंबर आपको खुद से डिसाइड करना होगा। जैसे मुझे अराउंड 400 GB का एक पार्टीशन क्रिएट करना है तो मैंने अकॉर्डिंगली मैंने एक नंबर दिया अराउंड 4 लाख के आसपास, क्लिक करेंगे नेक्स्ट। इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ड्राइव लेटर आपके ऊपर डिपेंड करता है। सी और डी ऑलरेडी एलोकेटेड है, नेक्स्ट इज ई। आप चाहें तो इसको अल्फ़ाबेट अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अगेन इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा नेक्स्ट। इन केस अगर आप अपनी ड्राइव का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप नाम चेंज कर सकते हैं, क्लिक करेंगे नेक्स्ट एंड फिनिश। और फिनिश करते हम देखेंगे यहाँ पर एक पार्टीशन क्रिएट हो चुका है जो कि है लेबल ई। यहाँ पे हमें वही पार्टीशन देखने मिल जाएगा। अगेन इसे कर लेंगे मिनिमाइज और बाकी अनएलोकेटेड स्पेस में भी नए पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे, राइट क्लिक न्यू नेक्स्ट। अगेन आपको यहाँ पर कितने GB का पार्टीशन चाहिए वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, फिर क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश नेक्स्ट एंड फिनिश। एंड फिनिश करते ही एक और पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अगेन दिस PC में चेक कर सकते हैं एक और पार्टीशन आ चुका है। अब लास्ट है न्यू एलोकेट अनएलोकेटेड स्पेस, क्लिक राइट क्लिक करेंगे न्यू नेक्स्ट। बचे हुए स्पेस को कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, नेक्स्ट 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 एंड फिनिश। और फिनिश करते ही जो अनएलोकेटेड स्पेस था वो भी एक ड्राइव में कन्वर्ट हो चुकी है। अगेन चेक करेंगे यहाँ पर मेरे पास 3 अलग अलग ड्राइव्स आ चुकी हैं। बट दोस्तों, हमेशा ध्यान रहे, ये काम करने से पहले आपकी ड्राइव को आप कम्प्लीटली खाली कर लें। अगर भरे हुए ड्राइव में आप ये काम करते हैं तो आपका कम्प्लीटली डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। इसे अगेन डिलीट कर लेंगे, यस एंड अगेन राइट क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप अपनी ड्राइव का नाम चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे हर ड्राइव का नाम है न्यू वॉल्यूम, बट अगर आप अपनी वॉल्यूम यानी कि अपनी ड्राइव का नाम चेंज करना चाहते हैं तो आप अपनी ड्राइव का नाम यहां से चेंज कर सकते हैं, क्लिक कर लेंगे नेक्स्ट एंड फिनिश। तो इस प्रकार से आप इजीली वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं, पार्टीशंस क्रिएट कर सकते हैं, पार्टीशंस को नाम दे सकते हैं, पार्टीशन की साइज अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी और कहीं ना कहीं काम जरूर आएगी जब आपको अपने हार्ड डिस्क में पार्टीशंस क्रिएट करने होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you.